आज की इस वीडियो में हम थोड़े अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में, यानी कि लत के बारे में। अब ये लत आपको किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपको पोर्न देखने की हो सकती है, इंटरनेट चलाने की हो सकती है, मोबाइल चलाने की हो सकती है, गेम खेलने की हो सकती है, टीवी देखने की हो सकती है, या फिर आपकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी लत हो सकती है जो आपको थोड़ा परेशान करे, मतलब जो फिट ना बैठे, जैसे सिगरेट वगैरह और तम्बाकू शराब, ऐसी लत भी हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़े इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे आप इन सबको छोड़ सकते हैं और कैसे ये आप, मतलब आपको ये इन सबकी लत लग जाती है। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको लत नहीं लगी है इन सभी चीज़ों की, किसी भी चीज़ की नहीं लगी है, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भविष्य में शायद लग जाए। आपको पता तो होना चाहिए कि लत कैसे लगती है किसी चीज़ की, या आपके फ्रेंड को किसी को लग जाए, या आपके आपके किसी फैमिली में किसी को लगी हो, किसी को भी हो सकती है। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में सारी बात कवर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर राजपूत, आप देख रहे हैं टेक्निकल सुधीर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कोई चीज़ लिमिट में की जाए तब तक तो वो ठीक रहती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक वो लिमिट में रहती है तब तक वो ठीक रहती है। लेकिन जब कोई चीज़ लिमिट से बाहर जाने लगती है तब वो चीज़ ख़राब हो जाती है। और बहुत चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो लिमिट में भी ना की जाए, जैसे शराब सिगरेट वगैरह, खैर वो अलग बात है। तो जब तक वो कोई चीज़ लिमिट में की जाए तब तक वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ लिमिट से बाहर जाती है उसे ही हम लत बोलते हैं कि अब इस चीज़ की हमें लत लग गई है, इस चीज़ को मैं लिमिट से ज़्यादा करने लगा हूँ, जितनी मुझे नहीं करनी चाहिए उससे ज़्यादा करने लगा हूँ। खैर ये हमें मालूम तो चल जाता है कि इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन मुझे इतना नहीं करना चाहिए, फिर भी हम उस चीज़ को करते हैं, मालूम होते हुए भी हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी चीज़ की हमें लत लगती कैसे है। देखिए, लत हमें एकदम से नहीं लगती, किसी भी चीज़ की एकदम से लत नहीं लगती। अब मैं यहाँ पर गेम का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आप पबजी आपको पहली बार खिलाया गया, आप पहले दिन पबजी खेल रहे हैं, तो क्या आप पहले दिन 5-6 घंटे खेल पाएंगे पबजी? आप कोर्स नहीं खेल पाएंगे। पहले दिन आप उस देखेंगे गेम को, क्या है, ग्राफिक्स कंट्रोल कैसे हैं, समझेंगे उस गेम को, ठीक है। मान लीजिए पहले दिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे खेल पाएंगे उसे, अगले दिन 1.25 घंटे 1.5 घंटे हो सकता है, आप उसे थोड़ा समझेंगे, और उसके अगले दिन 2 घंटे हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप उसमें चले जाते जाएंगे आपको मालूम चलता जाएगा कि इसमें रॉयल पास भी होता है, RP भी होती है, रैंक भी होती है, कॉन्करर भी होता है, एस भी होती है, वहाँ पहुँचना है, ये करना है, वो करना है। तो आप उस चीज़ में धीरे धीरे घुसते जा रहे हैं, उस चीज़ की आपको लत लगती जा रही है, ऐसा ही होता है। आप किसी भी चीज़ को एकदम से नहीं, मतलब एकदम से किसी भी चीज़ की आपको लत नहीं लगती। जब आप उस चीज़ को करने लगते हैं तो धीरे 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 आपको उस चीज़ की लत लगती है। अब कोई स्मोकर है तो क्या उसने पहले दिन, मतलब 24 घंटे में 24 सिगरेट पी ली होंगी क्या? हालांकि आज जो स्मोकिंग करने वाले होते हैं, जो जिन्हें लत लगी होती है, वो बहुत सिगरेट पी जाते हैं, लेकिन अगर उसी को आप उसी से पूछना कभी कि जब उसने पहले दिन पी थी, पहले दिन, तो क्या उसने इतनी पी ली थी जितनी वो आज पी रहा है? नहीं ना, पहले दिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पी पाएगा बस, लेकिन धीरे धीरे उसको लगी लत। मतलब किसी भी चीज़ की लत हमें धीरे धीरे ही चढ़ती है, और अब जब आपको वही लत छोड़नी होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को हो, उसी लत को जब आपको छोड़ना होता है तब आप उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। और आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको गेम का या TV देखने का शौक है, ठीक है, आप दिन में पूरे दिन TV देखते रहते, पड़े पड़े घर पर पूरे दिन आप TV देखते रहते हैं, तो आप अगले दिन क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मैं बहुत TV देखता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे TV देखना छोड़ना है। तो आप अगले दिन करेंगे ऐसा कि आप बिल्कुल TV नहीं देखेंगे, आप ऐसा 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप TV की तरफ खिंचे चले जाएंगे, क्योंकि आपको TV की लत लगी हुई है। आप बहुत लोग पोर्न देखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल लेना जरूरी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो डाउट हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑडियंस पोर्न देखती है, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे जेंट्स हों, लेडीज हों, मतलब बहुत ज़्यादा ऑडियंस पोर्नोग्राफी की तरफ हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑडियंस है पोर्न के बैन होने के बाद भी। अब मान लीजिए आप पोर्न देखते हैं, लेकिन आपको अब पोर्न की लत को छोड़ना है, आप एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ की, आपको उस चीज़ की लत लग चुकी है, आप बिना देखे रह नहीं पाते हैं, ठीक है। अब आपको पोर्न देखना छोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आप अगले दिन पोर्न नहीं देखेंगे, ठीक है, दूसरे दिन भी नहीं देखेंगे, लेकिन तीसरे दिन आप खिंचे चले जाएंगे, ऑटोमेटिक खिंचे चले जाएंगे, वो चीज़ देखने लगेंगे। या आप मान लीजिए सिगरेट पीते हैं, आप बिना सिगरेट पिए रह नहीं पाते हैं, या मान लीजिए आप TV देखते हैं, या मान लीजिए आप
इंटरनेट चलाते हैं या मोबाइल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, मतलब आपको किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है, तो अब आप उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। अब आप क्या करेंगे, उस चीज़ को एकदम से कम कर देंगे। मतलब जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, आप पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, तो अब आप अगले दिन क्या करेंगे, आपको लगा कि मैं मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता हूँ, तो आप अगले दिन ऐसा करेंगे, आप मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब आप मुझे खुद ही बताइए कि आप कितने दिन हाथ नहीं लगाएंगे आप ऐसे। भाई आपको बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है मोबाइल की, आप पूरे पूरे दिन मोबाइल चलाते रहते हैं, आप पूरे पूरे दिन गेम खेलते रहते हैं, आप पूरे पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, तो आप कितने टाइम तक उस चीज़ से एकदम दूर रह पाएंगे, एकदम दूर रह पाएंगे, आप मुझे ये बताइए। नहीं रह पाएंगे। किसी भी वो जो आपको लत लगी थी ना, वो आपको लत धीरे धीरे लगी थी। मोबाइल अगर आप चला रहे हैं, मोबाइल की आपको लत लगी हुई है, तो आपको मोबाइल की लत धीरे धीरे लगी थी। अगर टीवी की लत है, टीवी की लत धीरे धीरे लगी थी, तो अब आपको उस चीज़ को छोड़ना है, उस लत को बिल्कुल कम करना है, बिल्कुल जीरो पर लाना है। तो आप उस चीज़ को एकदम से ना करके आराम आराम से कीजिए। जैसे मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, दिन के आपके 24 में से 10 घंटे टीवी देखते हुए निकल जाते हैं, ठीक है, तो आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब आपको ऐसा करना है कि आप टीवी बिल्कुल ना देखें। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगले दिन से टीवी देखना थोड़ा कम करना है। जैसे मान लीजिए आप टीवी देखते हैं 10 घंटे देखते हैं, 10 घंटे आप टीवी देखते हैं, तो आपको अगले दिन ये पक्का डिसीजन लेना है कि आप कल 9 घंटे टीवी देखेंगे, और उसके अगले दिन 8 घंटे, या उसके अगले दिन 7 घंटे, और उसके अगले दिन 6 घंटे, मतलब ऐसे धीरे धीरे करते हुए। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 1 घंटा कम करें, आप एक दिन में आधा घंटा भी कम कर सकते हैं, एक दिन में 15 मिनट भी कम कर सकते हैं, लेकिन आपको कम करनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, मान लीजिए आप 20 सिगरेट पी जाते हैं एक दिन में, तो आपको अगले दिन 18 या 17 थोड़ी कम करनी है, और उसके अगले दिन और कम करनी है, मतलब थोड़ी थोड़ी करके कम करनी है। जैसे 2 घंटे में आप 1 सिगरेट पी जाते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप 3 घंटे में 1 सिगरेट पिए, या आप 6 घंटे गेम खेलते हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगले दिन आप 5 घंटे या 4.5 घंटे गेम खेलें, मतलब थोड़ा आराम से कम करना। एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, इतना हार्ड वर्क इंसान नहीं कर पाता है, इतनी जल्दी उससे किसी भी चीज़ की लत नहीं छोड़ पाता है, तो आप उस चीज़ को आराम आराम से कीजिए, और आराम आराम से करते हुए आप एक दिन जीरो पर पहुंच जाएंगे, मतलब आप उस चीज़ को एक दिन बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 15 दिन हो गए मैंने टीवी को मैंने बॉयकट किया है, आराम आराम से मैं कम कम देखते हुए आ रहा हूँ, और आज मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखी, पूरे 24 घंटे निकल गए, आज मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखी, तो अब मुझे क्या करना है। जैसे आज मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखी, अब इसी चीज़ को मुझे 21 दिन तक कम से कम 21 दिन तक मेंटेन करके रखना है, मुझे कम से कम 21 दिन तक टीवी को देखना नहीं है, बिल्कुल भी टीवी को नहीं देखना है। और सिगरेट मैंने आज जीरो पर आ गई, मैं आज मान लीजिए मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी, तो अब मुझे कम से कम 21 दिन तक एक भी सिगरेट नहीं पीनी है, एक भी। ये यहाँ किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी जो भी लत से जुड़ी हुई हो, जो भी आप मान लीजिए आप कुछ भी ज़्यादा करते हैं, तो आपको कम से कम 21 दिन तक जीरो पर लाने के बाद कम से कम उस चीज़ को 21 दिन तक मेंटेन करना है। आप उस चीज़ को 21 दिन तक बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, चाहे आप किसी किस्म खा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप आराम आराम से करते हुए आ रहे हैं, तो आपको वैसे भी उस चीज़ की थोड़ी बहुत कम हो जाएगी लत। 10-15 दिन जब आप आराम आराम से उस चीज़ को कम करते हुए आएंगे जीरो पर, उस चीज़ के आप इतने एडिक्टेड नहीं रहेंगे, तो आप 21 दिन तक आराम से मेंटेन कर लेंगे। और अगर आपको ये चीज़ 21 दिन तक मेंटेन करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, हो सकती है परेशानी आपको, आप क्या करेंगे 21 दिन तक अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे जिसकी आपको लत लगी हुई थी, और वो चीज़ आपको 21 दिन के लिए छोड़ने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या करेंगे। अब आपको ऐसे में आप बाहर जाके क्रिकेट खेल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, या आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की लत लगी हुई है तो, और आप उसे छोड़ रहे हैं, तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वो भी आउटडोर गेम, घर के अंदर गेम नहीं, आउटडोर, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुछ भी, मतलब बाहर जाके फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पब्लिक हो, ऐसे में मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड, पब्लिक, इन सब में बताना है, अकेले नहीं रहना है। अकेले तो आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, बिल्कुल भी, चाहे आपको किसी भी चीज़ की लत लगी हुई हो, किसी भी चीज़ की,
और आप ये चीज़ घर पर जरूर बता दें कि मैं इस चीज़ की लत छोड़ना चाहता हूँ और मैं आज से इसका प्रयास कर रहा हूँ। आपको किसी भी चीज़ की लत लगी हुई है, आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपनी बहन को, जिसको बताना चाहें उसको बता सकते हैं। कम से कम उसे बता दें कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, इस धीरे धीरे कम करते हुए जाऊँगा, 21 दिन तक उस चीज़ से दूर रहूँगा, आप मेरी इसमें सहायता करना, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, जो भी है उन सब से ये बात शेयर करना और उनसे हेल्प मांगना। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप इस चीज़ को कर पाएंगे। आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी दवाई की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से उस चीज़ को छोड़ देंगे, चाहे आप किसी भी चीज़ की हो, एक्स वाई जेड, दुनिया में ए से जेड तक, मतलब सभी चीज़ों की आप ऐसे लत छोड़ सकते हैं, चाहे शराब, चाहे सिगरेट की क्यों ना हो, सिगरेट के लिए दवाई वगैरह आती हैं, कोर्स चलता है, उन सब की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीरियसली बता रहा हूँ, कितनी भी, चाहे आप एक दिन में कितनी ही सिगरेट पी जाते हो, चाहे आप कितनी भी शराब क्यों ही ना पी लेते हो, आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप थोड़े गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट आपकी इसमें कैसे सहायता करती है और क्या उनको ऐसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको लत लगी हुई थी पॉर्नस की, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने पॉर्न बैन कर दी। पॉर्न बैन हुई थी 1-2 साल पहले, शायद हुई थी, इतना याद नहीं है, लेकिन पॉर्न बैन हुई, गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। लोग आज भी उसे देख रहे हैं, बैन होने के बाद भी आज भी उसे देख रहे हैं VPN लगा के। तो आप उसी चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं, और सही बताऊँ तो बैन होने के बाद वो और ज़्यादा देखी जा रही हैं। बैन होने से पहले इतनी नहीं देखी जाती थी जितनी बैन होने के बाद देखी जा रही हैं। तो बैन सॉल्यूशन नहीं आया। अब उन्होंने टिकटॉक बैन किया, अब टिकटॉक के बाद कितने सारे ऐप आए मार्केट में, रोपोसो, हाँ रोपोसो, टकाटक, और स्नैक वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स, और भी बहुत सारे ऐप हैं, याद नहीं मुझे, लेकिन बहुत सारे ऐप, मतलब टिकटॉक के बैन होने के बाद बहुत सारे ऐप आए। तो क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। और इसके बाद पबजी बैन हुआ, अभी हाल ही में 1-2 दिन हुए पबजी को बैन हुए, तो अब पबजी बैन हुआ, अब पबजी के बाद बहुत सारे गेम आ रहे हैं, बहुत सारे पबजी जैसे। तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बैन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप उस चीज़ को खुद छोड़िए। अगर आप खुद भी गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को बैन कर दीजिए, मुझे इस चीज़ की लत लगी हुई है, तो ये चीज़ गलत है, वो चीज़ है तो रहने दीजिए, ठीक है। आप उस चीज़ को छोड़िए, आप कोशिश ये कीजिए कि आप उस चीज़ को ना खेलें। अब मुझे ये बताइए, क्या पबजी गलत गेम था, बेकार गेम था? नहीं था, बहुत अच्छा गेम था, अगर लिमिट में खेला जाए, टाइम पास किया जाए उससे, बस, तो बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा। टिकटॉक बेकार ऐप था? बहुत अच्छा ऐप था, सीरियसली बहुत अच्छा ऐप था टिकटॉक। अगर 1-2 घंटे, मतलब आधे एक घंटे आपको टाइम पास करना है, कहीं टाइम ही नहीं कट रहा है, तो आप उसे खोल लीजिए, आराम से आपका टाइम कट जाता था। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई चीज़ लिमिट में की जाए तो ठीक रहती है, लेकिन अगर वही चीज़ लिमिट से ज़्यादा की जाए तो वो ख़राब हो जाती है, चाहे टिकटॉक चलाना हो चाहे पबजी चलाना हो, तो वो ख़राब हुई, गवर्नमेंट ने बैन किया। लेकिन अब वो और आ जाएंगे तो आप उनके पीछे भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भाई आपको तो लत लगी हुई है, आपको वो प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप और गेमों के पीछे भागेंगे। लेकिन आपको इस चीज़ को कम करना है, इस चीज़ को कम करना है। आप अगर नहीं चाहते हैं फिर भी आपको इस चीज़ को कम करना है, आपको गेम खेलते हो तो कम खेलिए, आधे घंटे खेलिए ज़्यादा से ज़्यादा, बस बहुत होता है आधे घंटे गेम। एक गेम को आप अपनी ज़िंदगी के एक दिन में से 1 घंटा देख रहे हैं, 30 दिन में 30 घंटे हो गए, 30 घंटे बहुत होते हैं एक गेम के लिए, 1 महीने में, तो आप सोच के देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें 1 GB या 1.5 GB डेटा मिलता है, लेकिन वो इतना खर्च नहीं कर पाते हैं, वो शाम को देखते हैं कि हमारे 500 MB या 1 GB बचे हुए हैं, तो वो अब क्या करते हैं? अब मान लीजिए उसने देखा कि हमारी पूरी 1 GB बची हुई है, वो मान लीजिए ऑफिस से आया, कोई काम करके आया, तो उसके पूरा डेटा बचा हुआ है, उसने दिन में कुछ नहीं कर पाया, तो वो शाम को देखता है कि मेरा ये डेटा बचा हुआ है, अब वो क्या करता है? अब वो उस 1 GB डेटा खर्च करने के लिए अपना उसमें टाइम वेस्ट करता है। अगर कुछ काम कर रहा है तो अलग बात है, कोई चीज़ दिख रहा है, कोई मतलब कुछ काम की चीज़ दिख रहा है तो वो ठीक है। अब वो हुई चीज़, मान लीजिए रात के 10 बज गए लेकिन उसकी MB बची हुई है अभी 500, तो वो
मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं वो ये बोलते हैं कि जब तक ये पूरे पूरा डेटा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं सोऊंगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। सच में सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पूरा डेटा खर्च करके सोते हैं, बोलते हैं कि पैसा गया है तो पूरा डेटा खर्च करेंगे, जबकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम सीरियसली इम्पोर्टेंट है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, आपको बेशक ना लगता हो कि मेरा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका टाइम इम्पोर्टेंट है। आप ये चीज़ सोच के देखिए, डेटा खर्च करने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए पूरा डेटा डेली खर्च कर देते हैं डेली, तो क्या आपको उससे कोई अवार्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप डिटेल में समझिए, एक डीप माइंड से सोच के देखिए सभी चीज़ों को, जो जो मैंने आपको इस वीडियो में बात की है। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत चीज़ें। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबा हो गया है, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने को, बहुत सारी बातें, लेकिन एक वीडियो में नहीं कर सकता, और किसी दिन देखेंगे। तो वीडियो को अभी के अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ जिसके साथ भी शेयर कर सकते हो ज़रूर शेयर करना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ एक ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ और आपको कुछ नया सिखाता रहता हूँ मोबाइल और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।